जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के दो जवान शहीद। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आई थार जीप, सड़क पे दोनों तरफ लंबा जाम, मार्ग को खोलने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के बड़कोट में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद, लोगों को काफी परेशानी। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारी बारिश संभव, दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट। भारी बारिश के बाद गंगा यमुना के जलस्तर में वृद्धि, कई घाटों पर पानी चढ़ा, प्रशासन अलर्ट। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जालौन में डूबे कई गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अलीगढ़ में बारिश ने बिगाड़े हालात। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के चलते भारत नेपाल सीमा पर शारदा नदी उफान पर है, शारदा बैराज का रौद्र रूप, नहर विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। ऋषिकेश में खतरनाक लेवल पर बह रही है गंगा नदी, तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, श्रद्धालु कम से कम गंगा स्नान करें, सलाह दी जा रही। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, डोडा में सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, 50 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का डोडा दौरा, बीते 10 साल में इलाके का बहुत विकास हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी की नाकामी की वजह से जम्मू में पनपा आतंकवाद, 2014 तक जम्मू डिवीजन में नहीं होती थी आतंकी घटनाएं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद, थीम पार्क में पीएम मोदी की जन आशीर्वाद रैली, 23 विधान क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य। तिहाड़ जेल से जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 12:30 बजे पहुंचेंगे कनॉट प्लेस, हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अरविंद केजरीवाल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी, विदेशी बीजेपी ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से पूछा बैन के बाद क्यों फोड़े गए पटाखे। हिंदी दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर देश को संदेश दिया, देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, कहा कि सभी भाषाओं को जोड़ने का काम करती है हिंदी, पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति में हिंदी को नया जीवन दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई दौरा, लालबाग के राजा के दर्शन पूजन करेंगे, चिंचपोकली में भी जाएंगे, बांद्रा पश्चिम में गणेश जी की पूजा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बाद जेपी नड्डा महाराष्ट्र में चुनावी तैयारियों का जायजा, फीडबैक लेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर, देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर बैठक हो सकती है। यूपी में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर, 29 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, मैनपुरी, आजमगढ़, आगरा, जौनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के डीएम बदले। मंगेश यादव के परिजनों से मिले अखिलेश यादव, कहा 2 सितंबर को उठाया, 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर दिखाया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसपी अध्यक्ष। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आरोप, एसपी बताए अखिलेश का मंगेश यादव से क्या रिश्ता, कांग्रेस बीएसपी और एसपी की सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं। आरजेडी ने नीतीश का हाथ जोड़ने वाला वीडियो जारी कर दिया, जगानंद सिंह ने पूछा, पूरा बिहार जानता है, राबड़ी लालू से माफी मांगकर नीतीश आते जाते रहे। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, नीतीश ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, और अब कह रहे हैं आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश को केवल कुर्सी से चिपकना है। बिहार में शराबबंदी पर एनडीए में दोपहर, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, शराबबंदी पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। प्याज बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा हटी, महाराष्ट्र हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदावार, विधानसभा चुनाव के करीब आने पर फैसला। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, इसका विरोध होगा, हिंदू संगठन ने हिमाचल बंद का ऐलान किया, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बंद बुलाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल मस्जिद विवाद पर कहा, वहां की हिंदू एकजुटता बड़ी मिसाल है, पूरे देश में लागू हो शिमला मॉडल।
मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिले, आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में 11 घंटे की ढील दी गई है। विरोध प्रदर्शन धरना पर रोक है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने आजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की मौत पर दुख जताया। परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। बीजेपी ने मांगा 1 महीने में आजीकर अस्पताल में हुई मौत का आंकड़ा। कहा कि सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, बाकी डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं। आजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने कहा कि सीएम हर मीटिंग की लाइव टेलीकास्ट कराती हैं, फिर डॉक्टर्स की मांग को कैसे नाजायज बता सकती है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी में 2 कार में भीषण भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। 1 कार सवार नशे में धुत था, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में देर रात रमाबाई इलाके में एक इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में 13 लोग झुलसे, सभी का इलाज जारी। करीब 90 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उदयपुर में पकड़े गए करीब 37 लाख के नकली नोट, 7 आरोपी गिरफ्तार। नकली नोट बनाने के काम में आने वाले उपकरण प्रिंटर कटर बरामद।